सलाम पाकिस्तान, सलाम रेड न्यूज़। रेड न्यूज़ स्टूडियो के साथ मैं हूँ ज़िले हुमा। हमारी तमाम तर नशरियात बराह रास्त देखने के लिए रेड न्यूज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। गोजा सिटी के इलाके में डकैती की वारदात, दो मसल्ला नामालूम डाकू असला के जोर पर गोजा के रहायशी अबू बकर से इसका मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। दो नामालूम सल्ला डाकू ने गन पॉइंट पर गोजा के रहायशी अबू बकर से इसका मोटरसाइकिल नकदी छीन ली और मुंगी बंगला की तरफ फरार हो गए। मुतासरा शहरी ने मस्कूरा वारदात की इतलाफ फौरन 115 पर की, जिस पर डीपीओ टोबा राणा उमर फरूक ने फौरी नोटिस लिया और गोजा पुलिस को डाकों की गिरफ्तारी का हुक्म दिया, जिस पर सिटी पुलिस गोजा ने मसल्ला डाकों का तौकब शुरू कर दिया। चंद मील के तौकब पर मसल्ला डाकों को घेर लिया। डाकों ने पुलिस का घेरा तोड़कर फरार होने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी तो पुलिस ने अपने दफा में जवाबी फायरिंग की। फायरिंग रुकने पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया तो फसलों में एक छुपे हुए डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। जख्मी डाकू के कब्जा से शहरी से छीना गया मोटरसाइकिल, नकदी और नजायज असला पिस्टल 30 बोर बरामद करके शिकारकर्दगी का मुजाहरा किया, जबकि फरार डाकू की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जिस पर मैं सिटी पुलिस गोजा को शाबाश देता हूं। इन ख्यालात का इजहार डीपीओ टोबा राणा उमर फरूक ने प्रेस रिलीज में किया। इस मौका पर पीआरओ एएसआई मोहम्मद अताउल्ला भी मौजूद थे।